चालू करें क्या? चले चालू कौन सी करनी है? चैप्टर नया चैप्टर चालू करना, कौन सा? थ्री फेज मोटर, थ्री फेज मोटर। आपको पता है मोटर किसको बोलते हैं? जो विद्युत देने पर यांत्रिक ऊर्जा देती है। चलो आगे, जो एसी से चलकर जो यांत्रिक ऊर्जा देती है वो एसी मोटर है, जो डीसी से चलकर यांत्रिक ऊर्जा देती है वो डीसी डीसी मोटर होगी। अपन कर रहे हैं एसी मोटर की बात, वो भी कौन सा की? थ्री फेज की। सिंगल फेज थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो इसके बाद करेंगे, पहले करते हैं थ्री फेज मोटर की बात। पहले वाला चैप्टर स्टेटर रोटर मिलता जुलता है, इसलिए पहले एक बात बताओ, आपके घर में एक बाइक है, दूसरी बाइक आप कब लाते हो? तो पहले वाले में कोई ना कोई दिक्कत आई है, मोबाइल फोन है आपका खराब हो जाए या कुछ हो, तभी तो नया अपडेट वर्जन आए हो रहा है, नया चीज आए तो नहीं लाते हैं, है ना? तो पहली चीज में कोई ना कोई कमी रही होगी, इसीलिए दूसरी चीज आई है। भाई थ्री फेज से पहले सिंगल फेज आ गया था ना, सोचने वाली बात तो ये है ना। तो थ्री फेज में, सिंगल फेज में क्या कमी रही होगी जो अपने को थ्री फेज लाना पड़ा? हर एक चीज की कमी याद रखोगे दूसरे की अच्छा याद हो जाएगी। देखो पहले बात करते हैं सिंगल फेज मोटर में कमी, मोटर में कमी या कमियां। सबसे पहली खास बात तो क्या होती है, सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। चले लेकिन अपन तो क्या करते हैं, सीधा बटन ऑन करते हो चालू हो जाती है ना। अरे घर का पंखे की जो मोटर लगी होती है वो सिंगल फेज की है, स्विच ऑन करते पंखा चालू नहीं हो जाता क्या? है वो किस लिए करते हैं? उसमें एक फेज को दो फेजों में बांटा जाता है, सिंगल फेज में एक फेज को दो फेजों में बांटने का बांटा जाता है, इसी कारण से वो क्या होगा, सेल्फ स्टार्ट होगा। चलो आगे, तो सिंगल फेज क्या, सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है? नहीं होती। दूसरी खास बात, सिंगल फेज मोटर का टॉर्क कम था, मोटर का टॉर्क कम था, कम था। सिंगल फेज मोटर थी ना वो कम टॉर्क क्या था उसका, कम था। तीसरी कमी क्या थी, सिंगल फेज मोटर मोटर भारी लोड पर, भारी लोड पर काम नहीं करती थी, काम नहीं करती थी। सिंगल फेज मोटर तो भारी लोड पर काम नहीं करती। चौथी खास बात क्या है, सिंगल फेज मोटर मोटरों का आकार बड़ा था, क्या था? आकार बड़ा था। चलेंगे, ये मेनली कुछ एक कारण है जो आपको याद पता होना चाहिए। भाई पहले क्या था, सिंगल फेज मोटर में क्या था, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। किसी भी मोटर को सेल्फ स्टार्ट होने के लिए कम से कम कितने फेजों की आवश्यकता होती है? दो फेजों की। किसी भी मोटर को यहां लिख देता हूं, किसी भी मोटर को, किसी भी मोटर को सेल्फ स्टार्ट होने के लिए, सेल्फ स्टार्ट होने के लिए, होने के लिए कम से कम, कम से कम कितने फेजों की आवश्यकता होती है? दो फेजों की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती। आगे के मेरी बात समझ में चले आगे। अगली, सिंगल फेज मोटर का टॉर्क कम था, टॉर्क कम होगा तो लोड पे काम है, नहीं करेगी भारी लोड पर। और सिंगल फेज मोटर का क्या था, आकार बड़ा था। ये लाइन थोड़ी हजम नहीं हो रही, सिंगल फेज मोटर है आकार कैसे बड़ा हुआ? हाँ मैंने आपको ये बोला कि मेरे को 3 HP की मोटर लेनी, कितनी लेनी है? 3 HP की, सिंगल फेज की है तो कितने कितने HP की आएगी? 1 HP की। फिर दूसरी मोटर लानी पड़ेगी आपको, फिर तीसरी लानी पड़ेगी, तभी तो 3 HP बनेगी, अलग अलग लानी पड़ेगी। और अगर अपन ले आए क्या थ्री फेज की एक की मोटर, थ्री फेज की एक अकेले कितनी आती है 3 HP की? देखो आकार के आधार पर, क्षेत्रफल के घेरने के आधार पर आकार किसका छोटा है? थ्री फेज का छोटा नहीं हुआ क्या? तो सिंगल फेज का आकार बड़ा नहीं हुआ? तो सिंगल फेज मोटर का आकार क्या होता है? बड़ा। किसकी अपेक्षा? थ्री फेज की अपेक्षा। चले यही चीजें बन जाएगी थ्री फेज मोटर के लाभ, थ्री फेज मोटर के लाभ, के लाभ। पहली लाइन क्या हो जाएगी, थ्री फेज मोटर क्या होती है?
मोटर सेल्फ स्टार्ट, सेल्फ स्टार्ट होती है भाई, क्योंकि कम से कम कितने फेज चाहिए सेल्फ स्टार्ट होने के लिए? दो फेज चाहिए, इसमें तो बढ़िया ये तीन है, ज्यादा ये कम थोड़ी है। दूसरा, थ्री फेज मोटर का टॉर्क क्या होता है? मोटरों का टॉर्क ज्यादा होता है, क्या होता है? टॉर्क अधिक होता है। किसकी अपेक्षा? सिंगल फेज मोटर की अपेक्षा। तीसरा क्या था, इसमें कमी क्या थी? भारी लोड पर काम करती है। थ्री फेज मोटर, मोटर किसी भी लोड पर काम कर सकती, किसी भी लोड पर कार्य कर सकती, कार्य कर सकती भाई, हल्का हो या चाहे भारी हो। चौथा, इसमें क्या कमी थी? सिंगल फेज मोटर आकार बड़ा होता है, इनका क्या होगा? थ्री फेज मोटर का आकार क्या होता है? आकार सिंगल फेज मोटर की अपेक्षा, सिंगल फेज मोटर की अपेक्षा छोटा होता है, क्या होता है? लाइन समझ आई क्या मेरी? ये बेसिक आपको ये पता होना चाहिए, सिंगल थ्री फेज मोटर बने ही क्यों, इसी काम से उतार लो, फिर चलते हैं। चले आगे, तो एक की कमियां याद रखोगे ना, आदमी की कमियां याद रहती है, अच्छा ये थोड़ी याद रहती है ना? अब कल इसको बुखार था वो मेरे को याद है, रोज आ रहा था ये भूल गया मैं बता, है ना? क्या बात, शर्माता क्यों तू? अदो थ्री फेज मोटर के भाग, मोटर कोई से भी हो, मुख्य दो भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं? दो, एक होता है स्टेटर, क्या होता है? स्टेटर, ध्यान से समझना, चैप्टर यहीं से स्टार्ट है, स्टेटर। दूसरा होता है रोटर, क्या होता है? रोटर, स्टेटर और रोटर। देखो बात करते हैं सबसे पहले स्टेटर की, स्टेटर मशीन का स्थिर रहने वाला भाग, मशीन का स्थिर रहने वाला भाग, रहने वाला भाग। चलो आगे, साथ में डायग्राम बनाते जाते, ये मोटर है कोई, ये स्थिर है अपनी जगह, स्थिर रहने वाला भाग क्या कहलाता है? स्टेटर। अगला, स्टेटर पर पोल स्थापित किया जाता है, स्टेटर पर क्या स्थापित किया जाता है? पोल स्थापित किया जाता है, किया जाता है। चलो आगे, तो इधर उधर मत घूम भाई, ये देखो पोल लगा देते हैं, ये पोल लगा दिए, ठीक है। अगली खास बात, पोलों पर या स्टेटर, स्टेटर पोलों पर मुख्य वाइंडिंग, मुख्य वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग, मुख्य वाइंडिंग को बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग, क्या बोलते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित की जाती है, स्थापित की जाती है। चलो आगे, मशीन का स्थिर रहने वाला भाग स्टेटर, स्टेटर मशीन का वे भाग जिस पर पोल स्थापित किया जाता है वो भी क्या है? स्टेटर। अब एक बार बताओ, ये पोल है, इसमें वाइंडिंग की जाती है, क्या की जाती है? वाइंडिंग की जाती है, ऐसे वाइंडिंग की जाती है। चलो आगे, अब एक बात बताओ, आपको पूछा जाएगा कि थ्री फेज मोटर में मुख्य वाइंडिंग कहाँ स्थापित की जाती है? पोल ऑप्शन बनाओ तो कहाँ होंगे? स्टेटर होगा, सीधी सी बात है, समझ आ गई ना मेरी बात, इसलिए मैंने प्रेजेंट ले लिया, क्यों स्टेटर पे क्या लगा है? पोल लगे हुए। चलो आगे, अच्छा थ्री फेज मोटर के स्टेटर पर की जाने वाली वाइंडिंग का प्रकार कौन सा, कौन सी वाइंडिंग की जाती है? आर्मेचर वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग की जाती है? आर्मेचर वाइंडिंग, या इसको क्या बोलते हैं? मुख्य वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग, मेन बोल दो या मुख्य बोल दो, किसी से। अगली खास बात, पोलो पर वाइंडिंग, पोलो पर वाइंडिंग, वाइंडिंग 120 डिग्री के अंश पर, 120 डिग्री के अंश पर स्थापित की जाती है, स्थापित की जाती है। नहीं समझ आ गई क्या? ये देखो कौन जो बनेगा ना ऐसे, 120 डिग्री का नहीं लग रहा कि सवाल आएगा, आईडिया में पूछा जाएगा, दो नंबर फ्री के। चलो आगे,
वाइंडिंग को भी, थ्री फेज मोटर में वाइंडिंग के बीच कौन कितना डिग्री होता है, 120 डिग्री। चलेंगे आगे अगला, और सिंगल फेज हो तो कितना डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे, कितने पे होता है, वो सिंगल फेज पड़ेंगे सब कर लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, स्टेटर का काम क्या होता है भाई, इस पे पोल लगा दिया, वाइंडिंग लगा दी, मेन वाइंडिंग, इसका मतलब सप्लाई किसको दी जाती है, स्टेटर को। सप्लाई किसको देंगे, आर वाई और बी, स्टेटर को मेन सप्लाई दी जाती है, स्टेटर बोल दो या पोल बोल दो एक ही बात है। ये नाम मिले तो क्या मिलेगा, आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग। ये भी नाम मिले तो क्या मिलेगा, मेन वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग। ये भी नाम मिले तो क्या मिलेगा, मुख्य वाइंडिंग, मुख्य वाइंडिंग। कुछ भी पूछ सकता है, को सप्लाई दी जाती है, को सप्लाई दी जाती है, दी जाती है। लाइन समझ आ गई है मेरी भाई, चाहे तो स्टेटर दे दो, चाहे पोल दे दो, चाहे वाइंडिंग दे दो, सप्लाई वाइंडिंग क्यों देंगे, सीधी सी बात है। ये ना देगा उस समय क्या दे देगा, आपको पूछेगा थ्री फेज मोटर में सप्लाई, सप्लाई दी जाती है, वाइंडिंग नहीं दी होगी, पोल दे देगा, पोल नहीं देगा क्या देगा, स्टेटर दे देगा, स्टेटर ना देगा तो वाइंडिंग दे देगा, वाइंडिंग मेन वाइंडिंग दे देगा, मुख्य वाइंडिंग दे देगा, आर्मेचर वाइंडिंग दे देगा। लाइन समझ आई क्या, थ्री फेज मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ स्थापित की जाती है, स्टेटर पर, जबकि डीसी मोटर में उसके रोटर पर, इसलिए उसको आर्मेचर के नाम से जाना जाता है। मैं पहले ही बता चुका हूं, आर्मेचर वाइंडिंग बोलते किसको है, आर्मेचर वाइंडिंग कहते किसे, जिसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, या मैंने दो चीजें पढ़ी थी आपको, आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग बताई थी ना, डीसी मोटर के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है, जिसके अंदर आप चुंबकीय क्षेत्र बनेगा कि नहीं बनेगा, और फील्ड वाइंडिंग होती है जिसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र बनता है, या जिसके कारण बनता वो आर्मेचर, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बनता वो आर्मेचर वाइंडिंग होगी, बीच में रोटर लगा, धीरे धीरे समझ आ जाएगा, अभी के लिए छोड़ो, अभी चलते हैं। स्टेटर को मेन सप्लाई दे दी तो काम क्या करेगा, स्टेटर, स्टेटर एक घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र, घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, बनाता है। हालांकि ये नहीं दिया होगा घूमता हुआ, मेरी तरफ से लिखा रहा हूँ, होता क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है भाई, सप्लाई देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे, वाइंडिंग सीधी सी बात है। तो स्टेटर का मेन काम क्या है, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना। चलो आगे, घूमता हुआ मैंने क्यों बोला है, आप होता है ऐसी है, सेकंड के 50 समय चेंज होती है, ये ऐसे इतनी तेजी से चेंज होता है कि आपको लगेगा कि घूम रही, ऐसा लगेगा आपको क्या कर रहा है, ये घूम रहा है, लेकिन घूमता चेंज होता है। जैसे आपकी लाइट है, लाइट देखिए कभी चलती है, दिखती है ना, क्या लाइट चलती है अपनी जगह, क्या हो रही है, एक टाइमिंग पे जल रही है, जग बुझ रही है, जग बुझ रही है, ऑन ऑफ हो रही है, वैसे ये होता है। ये एन होता है, यहाँ पे कभी एन बनेगा तो क्या बनेगा, कभी एस, तो ये इतनी स्पीड से बदलता रहता है, इतनी स्पीड से आपको लगेगा क्या हो रहा है, घूम रहा है, लेकिन घूमता नहीं है। इसलिए मैंने बोला है स्टेटर का काम क्या, घूमता हो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना। कोई दिक्कत समझे, परेशानी यहाँ पे हो जाएगा ना। अगली खास बात मैंने आपको एक दोबारा बता देता हूं, एक थी आर्मेचर वाइंडिंग, अलग से टॉपिक है, ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग, वाइंडिंग एक होती है, फील्ड वाइंडिंग क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग, वाइंडिंग दोनों में फर्क क्या है, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, हाँ, या प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित विद्युत धारा क्या होती है, उत्पन्न होती है। चले आगे, रोटर पे कही जाती है, आगे समझा दूंगा, आगे वाइंडिंग क्या है, जिसके कारण, जिस वाइंडिंग के कारण, वाइंडिंग के कारण प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित विद्युत धारा क्या होती है, उत्पन्न होती है। अच्छे से मैंने जनरेटर में करवाया, दोबारा रिकॉल करवा रहा हूँ, करवाया था ना, आपको पता है ना, हो जाएगा ना इतना आपको, तो वैसे इतना ये तो याद रखो, चाहे मतलब को ये आपको ये पता होना चाहिए। थ्री फेज मोटर का सभी, जितनी भी थ्री फेज मोटर पड़ेगी, इन सबका स्टेटर क्या है, सेम है, सबका स्टेटर क्या बनेगा, सेम बनेगा। तो एक बार ही करूंगा, हर मोटर के अंदर स्टेटर नहीं करूंगा, रोटर करूंगा खाली। यहां तक को दिक्कत समस्या लग रही है, पूछ लो, हो जाएगा क्या। स्टेटर का मेन काम क्या था, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना। चलें कि आगे, उतारो फिर चलते।
कोई दिक्कत समझे परेशानी? आज अगला पार्ट पढ़ेंगे कौन सा, रोटर क्या है? रोटर मोटर का घूमने वाला भाग, मोटर का घूमने वाला भाग क्या कहलाता है? रोटर कहलाता है। मोटर का घूमने वाला भाग क्या कहलाता है? रोटर कहलाता है। चलूंगे आगे अगली खत, इसके बीच में लगता है, कहाँ लगता है? यहाँ पे लगता है, यहाँ। इस पर की जाती है वाइंडिंग, क्या की जाती है? वाइंडिंग। ये हो गया रोटर, क्या हो गया? रोटर। चलो आगे आ जाओ, मोटर का घूमने वाला भाग क्या कहलाता है? रोटर कहलाता है। अगली खास बात क्या था? थ्री फेज मोटर के रोटर पर, मोटर के रोटर पर, थ्री फेज मोटर के रोटर पर, उससे पहले एक लाइन और लिखते हैं। थ्री फेज मोटर में मोटरों में चुंबकीय क्षेत्र का छेदन करने वाला, छेदन या काटने वाला थ्री फेज मोटर में चुंबकीय क्षेत्र का छेदन करने वाला साधन या भाग क्या कहलाता है? रोटर कहलाता है। भैया अपना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, ये बीच में घूमेगा तो काटेगा नहीं क्या? चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा ही, तभी तो इसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी, वरना उत्पन्न कैसे होगी? चलो आगे अगली खास बात। अरे एक चीज बताओ, मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? अरे डीसी मोटर करती है गधो, ये करती है इंडक्शन के सिद्धांत पर, इसलिए इंडक्शन मोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडक्शन मोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइकल फैराडे के प्रथम नियम पर काम करते हैं, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर काम करती है? चुंबकीय प्रेरण। सिंगल फेज की जो मोटर है चाहे थ्री फेज की मोटर है, एसी की जितनी भी मोटर है, किस सिद्धांत पर काम करती है? माइकल फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत। ये तो समझ जाना चाहिए, एक चीज स्थिर है, एक चीज गतिमान कर रही है, नहीं हो रही क्या? तो किस सिद्धांत पर काम होगा? टॉर्क तो वहां होता है जहां पर क्या होती है, दोनों को सप्लाई दी जाती है। इसमें सप्लाई दी है रोटर को कहीं यहां पर, भाई टॉर्क क्या है? एक चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें आर्मेचर रोटर को, दोनों को अपन क्या दे रहे हैं? सप्लाई। दो चुंबकीय क्षेत्र चाहिए थे वहां पे, यहां पे चुंबकीय क्षेत्र तो एक ही है, ये तो माइकल फैराडे से उत्पन्न हो रहा है। आगे क्या मेरी बात समझ में? एसी की जितनी भी मोटर है इसलिए उनको इंडक्शन मोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नहीं बोलते क्या? इंडक्शन मोटर, प्रेरण मोटर बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? माइकल फैराडे के प्रथम नियम यानी कि चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। क्या हो गया, ऐसा क्या देख रहा है? चलो आगे आ जाओ, बता क्या रहा था मैं? अच्छा, रोटर जो होता घूमने वाला भाग होता है या चुंबकीय क्षेत्र का छेदन करने वाला भाग क्या कहलाता है? रोटर कहलाता है। क्या कहलाता है? रोटर। आ जाओ, रोटर पर फील्ड वाइंडिंग, क्या फील्ड वाइंडिंग, या इसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र कुंडलन। क्या बोलते हैं? क्षेत्र कुंडलन स्थापित की जाती है। क्षेत्र कुंडलन स्टार कनेक्शन में, कौन से कनेक्शन में? स्टार कनेक्शन में, साथ में लिख देते हैं, स्टार कनेक्शन में संयोजित की जाती है, संयोजित की जाती है। चलूंगे आगे, कोई दिक्कत समझे परेशान भाई? स्टेटर पर तो कौन सी वाइंडिंग कर दी? आर्मेचर वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग कर दी? आर्मेचर वाइंडिंग। और थ्री फेज मोटर के रोटर पर कौन सी वाइंडिंग कर दी? फील्ड वाइंडिंग। चलेंगे आगे, उसके बाद वो भी कौन से कनेक्शन करते हैं? स्टार कनेक्शन में। कौन से स्टार कनेक्शन करते हैं? स्टार कनेक्शन। चलूंगे आगे अगली खास बात, रोटर गति, रोटर गति यानी कि एन आर, क्या होते हैं? एन आर, आर का मतलब रोटर, एन का मतलब गति हो गया। रोटर गति सिंक्रोनस गति यानी कि एन एस से कम होती है, से कम होती है, होती। सबसे पहले सर ये बताओ सिंक्रोनस गति क्या होती है, तभी बता पाएंगे। सिंक्रोनस गति बोलते हैं एन एस, एन एस। चले आगे,
सिंक्रोनस गति को किससे प्रदर्शित करते हैं, एनएस से। एस से याद रखोगे आप स्टेटर, क्या याद रखोगे, स्टेटर, स्टेटर के आरपीएम, स्टेटर के आरपीएम। अब एक बार स्टेटर घूमता है तो फिर कैसे निकालोगे, लेकिन घूमता प्रतीत तो होता है ना, बदलता तो है वो, तो क्या करेंगे, घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र की गति, घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र की गति, चुंबकीय क्षेत्र की गति, क्षेत्र की गति क्या कहलाती है, तुल्यकालिक गति या सिंक्रोनस गति कहलाती है। हिंदी में बोलते हैं तुल्यकालिक, मोटर बेस के आधार पर पढ़ेंगे, कुछ पहले पढ़ रहे हैं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, या ऊपर से जा रही सारी सारी, इसको आप सप्लाई दोगे ना, ये फेज है, यहाँ पे फेज, यहाँ पे फेज है, इसका भी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, इसका भी बनेगा, इसका भी बनेगा, तीनों बदलते रहेंगे ना अपने आप, बदलते तो इतना स्पीड से बदलते, आपको क्या लगता है घूमता हुआ, देखो घूमता हुआ लगेगा तभी तो रोटर इसकी दिशा में घूम जाएगा, वरना रोटर कैसे घूमेगा। तो घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र की गति, घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र की गति क्या कहलाती है, सिंक्रोनस गति कहलाती है। और रोटर गति तो आपको पता ही है, रोटर की गति क्या कहलाती है, रोटर गति कहलाती है, सीधी सी बात है। आगे क्या मेरी बात समझ में, सिंक्रोनस याद करने का फॉर्मूला याद रखोगे आप, एक बार फ्रीक्वेंसी याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, एमपी बटा 120। कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, एस लिखना है, क्यों सर, पोल कहाँ होता है, स्टेटर पे होता है, पोल कहाँ होता है, स्टेटर पे होते हैं, तो निकाल लें क्या, एफ इंटू 120 बटा में पी बराबर में एन एस, ये फॉर्मूला बन गया। रचने वाली कोई बात है क्या, इससे अपन न्यूमेरिकल भी करेंगे खूब सारे, हो जाएगा अपने आप, कोई दिक्कत समस्या परेशानी। रोटर पर कौन सी वाइंडिंग की जाती है, थ्री फेज मोटर के रोटर पर फील्ड वाइंडिंग, कौन सा कनेक्शन की जाती है, स्टार कनेक्शन। रोटर गति और स्टेटर गति में क्या संबंध है, रोटर गति और स्टेटर गति में क्या संबंध है, रोटर गति क्या होती है, रोटर गति क्या होती है, कम होती है किससे, एन एस से, यानी कि सिंक्रोनस गति से कम होती है। और सिंक्रोनस गति किसको बोलते हैं, घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र की गति, सिंक्रोनस गति कहलाती है। कोई दिक्कत समझे परेशानी, हो जाएगा ना, उतारो फिर टूटे। चले अब आपको जो पढ़ना है वो थ्री फेज मोटर के संबंधित पद पढ़ने, टाइम हो गया पहले अगली क्लास 10 मिनट में होगा, थ्री फेज मोटर के संबंधित शब्दावलियां पढ़नी है आप लोगों को, इसके अंदर सबसे पहले आपको पढ़नी है स्लिप, क्या पढ़नी है, स्लिप पढ़नी आपको, चले आगे, कहता किसको सर, रोटर गति, रोटर गति किसको किसको किससे बताते हैं, एनआर, रोटर गति तथा सिंक्रोनस गति, सिंक्रोनस गति यानी कि एनएस का अंतर, का अंतर क्या कहलाता है, स्लिप कहलाता, क्या कहलाता है, स्लिप। इसको प्रदर्शित करते हैं एस से, किससे प्रदर्शित करते हैं, एस बराबर क्या हो गया, एनएस माइनस एनआर, एनएस माइनस एनआर, डेफिनेशन उल्टी लिख दी है मेरे को, लेकिन आप समझ आना, लिख ही देता हूँ दोबारा। अरे किसका मान ज्यादा होता है हमेशा, सिंक्रोनस गति का मान ज्यादा होता है ना एनएस का, तो एनएस से घटाएंगे, तो डेफिनेशन ये लिखेंगे, सिंक्रोनस गति, सिंक्रोनस गति तथा रोटर गति का अंतर, रोटर गति, गति यानी कि एनआर का अंतर, का अंतर क्या कहलाता है, स्लिप कहलाता है, क्या कहलाता है, स्लिप कहलाता है। चलो क्या आगे, और आपको पता है एनएस का मान हमेशा एनआर से ज्यादा ही होता है, हो जाएगी ना, तो दिक्कत समझे ऑपरेशन। चलो थ्री फेज मोटर, मोटर की स्टार्टिंग स्लिप का मान, स्लिप का मान, मान एक होता है, कितना होता है, एक होता है, स्टार्टिंग स्लिप का मान कितना होता है, एक होता है। चलो क्या के? एक सिंक्रोनस मोटर नाम के सिंक्रोनस मोटर पढ़ेंगे, इसमें एनएस बराबर एनआर होता है, इसलिए वो मोटर कभी स्टार्ट
नहीं होती। अगर मान लो एनएस और एनआर बराबर हो गए तो स्लिप कितनी हो जाएगी, जीरो नहीं हो जाएगी क्या? मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी, मोटर क्या नहीं होगी, स्टार्ट ही नहीं होगी। चलूं क्या के? तो एक नोट डाल के एक चीज यहीं लिख लो ताकि याद रहेगा एक तरीके से। सिंक्रोनस मोटर में पढ़ाऊंगा बाद, अगला टॉपिक है इसका सिंक्रोनस मोटर। मोटर में एनएस बराबर क्या होता है? एनआर होता है। इसी कारण ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, ये सेल्फ स्टार्ट स्टार्ट नहीं होती। एक बात बताओ, किसी भी मोटर को सेल्फ स्टार्ट होने में कितने पैसों की आवश्यकता होती है? दो। जबकि सिंक्रोनस मोटर तो थ्री फेज की मोटर फिर भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, कम से कम दो फेज ही है। लेकिन क्या है सिंक्रोनस मोटर थ्री फेज की मोटर होते हुए भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती? कारण उसका माप पड़ेंगे तब आपको समझ आएगा। एनएस बराबर क्या हो जाता है? एनआर हो जाता है। और रोटर जो क्या होता है? लोक हो जाता है। रोटर क्या होता है? लोक घूमता ही नहीं, उसको स्टार्ट करना पड़ता है अलग से। उसके अलग अलग विधि आगे पड़ेगी। अब यही है तो हैं पावर फैक्टर सुधारने के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है उसका। अगली पढ़ोगे अंशीय स्लिप। क्या पढ़ोगे? अंशीय स्लिप। सिंक्रोनस गति को, किसको? सिंक्रोनस गति को, सिंक्रोनस गति को, गति को स्लिप के अंश के रूप में, स्लिप के अंश के रूप में व्यक्त व्यक्त करना क्या कहलाता है? अंशीय स्लिप कहलाता है। पहले तो ये बताओ अंशीय सॉरी स्लिप का सूत्र क्या होता है? एस बराबर एन एस माइनस एन आर। चलो आगे बटन क्या कर देंगे? सिंक्रोनस गति यानी कि एन एस क्या कर देंगे? एन एस। और इसको क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं, हर बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? मैंने क्या लिखा है? सिंक्रोनस गति को स्लिप के अंश के रूप में, स्लिप के अंश के रूप में कर दिया ना। स्लिप अंश के रूप में है, एन एस कहाँ गया? अरे में आ गया एन एस माइनस एन आर बटा में एन एस। ये किसका फॉर्मूला हो गया? अंशीय स्लिप का। चलो आगे, एक होती है प्रतिशत स्लिप। क्या होती है? प्रतिशत स्लिप, प्रतिशत स्लिप। चलो आगे अंशीय स्लिप को, किसको? अंशीय स्लिप को प्रतिशत के रूप में व्यक्त लिखना, प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना, व्यक्त करना क्या कहलाता है? प्रतिशत स्लिप। कुछ नहीं करना, एस किसी भी संख्या को प्रतिशत बना लेने के लिए आप क्या करते हो? हैं? सौ की खत्म। प्रतिशत स्लिप हो गया। चालू कौन सा होता है? स्लिप से, एनएस माइनस एनआर से। अंश स्लिप हो गया एनएस माइनस एनआर बटा में एनएस। सिंक्रोनस गति को अंश के रूप में व्यक्त कर दिया, प्रतिशत स्लिप क्या हो गया? इंटू में सौ लग गया। चलूंगी आगे। अब स्लिप भी है ना अलग अलग प्रकार की होती है क्षेत्र के आधार पर। जैसे निम्न क्षेत्र हो गया और एक होता है उच्च क्षेत्र हो गया, हाई रीजन लो रीजन, रीजन के आधार पर। उसके बाद है मोड के आधार पर। किसके आधार पर है? मोड के आधार पर। चलूँ धीरे धीरे चलते हैं। उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, रोटर फ्रिक्वेंसी। क्या बता देते हैं? रोटर फ्रिक्वेंसी। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं पहले ये करवा देता हूँ, रोटर फ्रिक्वेंसी। स्टेटर फ्रिक्वेंसी, स्टेटर फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी तथा रोटर फ्रिक्वेंसी, रोटर फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी स्टेटर फ्रिक्वेंसी तथा स्लिप। स्टेटर फ्रिक्वेंसी तथा स्लिप का गुणनफल, गुणनफल क्या कहलाता है? रोटर फ्रिक्वेंसी। प्रदर्शित करते हैं इसको एफ आर से। कैसे करते हैं? रोटर फ्रिक्वेंसी, रोटर फ्रिक्वेंसी स्टेट यानी कि एफ इंटू एस, एफ इंटू स्टेटर फ्रिक्वेंसी इंटू में नहीं नहीं स्लिप है ना। चाहे तो आप एफ इंटू एस भी कर सकते, फ्रिक्वेंसी इंटू स्लिप। एफ इसलिए लिखते हैं कि आप आपको पता चल रहा है स्टेटर फ्रिक्वेंसी। समझ आएगी क्या मेरी बात? हो जाएगा ना। अच्छा, थ्री फेज मोटर की स्टार्टिंग स्लिप कितनी थी? एक। अगर आपको पूछे ना, एक नोट यहाँ डाल के लिख देता हूँ, जगह नहीं बची मेरे पास। पूछे आपको थ्री फेज मोटर की स्लिप कितनी होती है? मोटर की
स्लिप का मान कितना होता है? स्लिप याद रखना 2 से 5% होता है, कितना होता है? 2% होती है। पत्ती से स्लिप कितनी होती है? 2 से 5% होती है। मेरे पास आंसर नहीं है। अगर आपको पूछे नॉर्मल कि थ्री फेज मोटर की स्टार्टिंग स्लिप का मान कितना होता है, तो एक कितना होता है? एक होता है। स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी का मान, स्लिप का मान कितना होता है? एक होता है। अगर नॉर्मल अगर आप ऐसा पूछे कि थ्री फेज मोटर का स्लिप कितनी होती है, तो 2 से 5%। दोनों में सवाल में फर्क पता चल गया आप लोगों को। एक तो प्रारंभिक स्लिप पूछता है और एक क्या पूछता है? खाली स्लिप पूछता है। प्रारंभिक पूछे तो एक है और नॉर्मल पूछे तो 2 से 5%। उतारो फिर से। अभी क्लास और लेने वाला टाइम हो रहा है। एक पढ़नी आपको रोटर ताम्रानी, रोटर ताम्र हानी, रोटर ताम्र हानी। फॉर्मूला याद रख लेना इसका, 2πTNS, 2πTNS सीधा याद रखना चाहो तो सीधा याद रखो। रोटर ताम्र हानी, रोटर ताम्र हानी याद करना फॉर्मूला 2πTNS, जहाँ पाई का मान तो फिक्स होता है, टी का मतलब होता है टॉर्क। टी का मतलब क्या होता है? टॉर्क। टॉर्क क्या है? घुमाव बल होता है। क्या होता है? घुमाव बल। जो आगे बता दूंगा, एनएस आपको पता है क्या होती है? सिंक्रोनस गति। सिंक्रोनस गति क्या होती है? सिंक्रोनस गति। निकलता कहता है वो देखो, रोटर ताम क्षति बराबर, या सीधा याद कर लोगे बताऊं कैसा है फॉर्मूला? चलो देख, रोटर रोटर पर उत्पन्न शक्ति माइनस रोटर द्वारा आउटपुट शक्ति, आउटपुट शक्ति। चलो आगे, उत्पन्न शक्ति और आउटपुट शक्ति। उत्पन्न शक्ति निकलती है 2π, 2π टी एन एस से, इससे निकलती है भाई। उत्पन्न किसके कारण होगी? सिंक्रोनस गति के कारण उत्पन्न होती है। माइनस रोटर गति में क्या लग जाएगा? 2πT NR, NR। चलो आगे, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आप लोगों को? 2πT कॉमन नहीं लग रहा क्या? तो 2πT ब्रैकेट क्या बचेगा? NS माइनस NR। इधर क्या चल रहा है? रोटर ताम्र आनी, रोटर ताम्र आनी। अब क्या करेंगे सर? दोनों और क्या कर देंगे? सिंक्रोनस गति का भाग दे देंगे। दोनों और क्या कर देंगे? सिंक्रोनस गति का भाग दे देंगे। दोनों और सिंक्रोनस गति, दोनों और नसीम करते थे ना, दोनों और एनएस का भाग देने पर, एनएस का भाग देने पर क्या होगा सर? इसको इसको देखो, ये किसका फॉर्मूला है? ये किसका सूत्र है? टू पाई टी एस एन एस। चले, ये किसका फॉर्मूला होता है? इतने का एनएस माइनस एनआर किसका फॉर्मूला होता है? अभी थोड़ी देर पहले बढ़ा कर दो, एनएस माइनस एनआर बटा माइनस क्या होता है? स्लिप नहीं होती क्या? तो 2πT इसकी जगह क्या लिख देंगे? एस। इधर क्या चल रहा है? रोटर ताम्र हानि, रोटर ताम्र हानि बट्टा का है, किसमें चला जाएगा? गुणा में। फॉर्मूला नहीं बन गया 2πTSNS, 2πTSNS, जहां पे एस का मतलब क्या होता है? स्लिप। एस का मतलब क्या हो गया? स्लिप। आई आ गई, नहीं याद होता है तो अपने को तो इतना याद रखो, 2πTSNS, 2πTSNS। एक इसका फॉर्मूला है रोटर ताम्र हानि, रोटर ताम्र हानि, रोटर वाइंडिंग में होने वाली क्षति, रोटर वाइंडिंग में होने वाली क्षति क्या कहलाती है? रोटर ताम्र हानि कहलाती है। रोटर ताम्र हानि किसको बोलते हैं? रोटर वाइंडिंग में, रोटर वाइंडिंग में होने वाली क्षति क्या कहलाती है? रोटर ताम्र हानि कहलाती है। आई क्या मेरी बात समझ में? रोटर पर कौन सी वाइंडिंग करते हैं? रोटर पर वाइंडिंग कौन सी करते हैं? फील्ड वाइंडिंग। कौन सी करते हैं? फील्ड वाइंडिंग। अब वाइंडिंग है तो हानि तो होगी ना, तो रोटर वाइंडिंग में, रोटर वाइंडिंग में होने वाली क्षति क्या कहलाती है? रोटर ताम्र हानि या क्षति कहलाती है। फॉर्मूला निकालने का होता है 2πTSNS, 2πTSNS। कोई दिक्कत समझिए, परेशानी हो जाएगा क्या? एक आपको लिखना है टॉर्क, क्या लिख पढ़ना है आपको? टॉर्क।
एक होता बल, क्या लगता, एक तो होता कोई बल, कोई चीज है, ये चीज है, इसको आगे सिल्क आगे हिलाना तो क्या लगता है, बल लगता है। अगर किस चीज को आपको क्या करना है, गोल नाई में घुमाना है, क्या घुमाना है, गोल में घुमाना है, घुमाने में जो बल लगता है वो क्या लगता है, टॉर्क लगाता है। क्या लगता है, टॉर्क लगता है। चलूंगे आगे, किसी मशीन द्वारा, किसी मशीन द्वारा, किसी मशीन द्वारा, किसी मशीन की शाफ्ट द्वारा, की शाफ्ट द्वारा किसी लोड पर, किसी लोड पर लगाया गया, लगाया गया घुमाव बल, घुमाव बल क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है, क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। चलूंगे आगे, टॉर्क आपको पता है, घुमाव बल क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है, क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। जो चीज घूमने में आपको बल लगाना है, किसी चीज को घुमाने के लिए जो बल लगता है वो क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। चलूं आगे, अगला इसका फॉर्मूला याद रखोगे आप, टी बराबर यानी रोटर टॉर्क है, क्या टॉर्क निकाल रहा आप, रोटर टॉर्क, साफ को टॉर्क ही बोलते हैं, रोटर टॉर्क, रोटर टॉर्क बराबर होता है बी एच टी इंटू 60 इंटू 735.5 बट्टा में हो गया 2 पाई टी होगा खाली, 2 पाई टी एन एस। इस फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में क्या अंतर है, नीचे वाला उसमें स्लिप है, इसमें स्लिप नहीं है, हो गया ना। दोबारा देखो, बी एच पी का फुल फॉर्म क्या होती है, ब्रेकिंग हॉर्स और एस पी में निकलती है, किसमें निकलती है, अश्व शक्ति होती है, ब्रेकिंग हॉर्स पावर। पाई का मान पता ही है, टी का पता ही है, लिखने की जरूरत है ही नहीं। टी का मतलब टॉर्क हो गया, एन एस का मतलब तो हो गया सिंक्रोनस गति, हो गया क्या, ये फॉर्मूला सारे याद होना चाहिए। टॉर्क जो होता है किसका समानुपाती होता है, टॉर्क जो होता है वो होता है रोटर धारा के रेजिस्टेंस के, रोटर धारा हो गया और हो गया फ्लक्स के, वो हो गया कोस थीटा के, कोस थीटा के। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाली चीज, टॉर्क रो किसके समानुपाती होता है, टॉर्क किसके समानुपाती होता है, रोटर धारा के, किसके समानुपाती होता है, रोटर धारा के, प्लस के समानुपाती, कोस रेंज शक्ति गुणक के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। कोई दिक्कत समझे, परेशानी, ये अलग अलग लिखो इन सबको, एक लाइन में आप खुद अलग उतार लेना। चलेंगे आगे, कोई दिक्कत समस्या उतारो फिर चलते हैं।